जब हम असम की संस्कृति की बात करेंगे, असम की जो हम लोगों की बात करेंगे, तो एक बहुत ही जीवंत शख्सियत सामने आता है, वह है कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा। विष्णु प्रसाद राभा एक ऐसी शख्सियत असम में हुई जिसने कई चीजों पर काम किया। सबसे बड़ी बात है कि विष्णु प्रसाद राभा आम आदमी के कवि थे, नाटककार थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे। विष्णु प्रसाद राभा एक प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति थे, जो ये चाहते थे कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है, आजादी का मतलब गरीबी से आजादी, गुलामी से आजादी और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उससे आजादी। इसीलिए जब हम बात करते हैं असमिया संस्कृति की, असमिया व्यक्तित्व की, तो उसके एक बहुत बड़े स्तंभ थे विष्णु प्रसाद राभा, जिन्होंने ये कहा था कि खेत जिसका है, जो जोतता है खेत को, खेत उसका है, हाल जार माटी तार। उन्होंने जिन गीतों की रचना की, वो गीत आज भी असम में गाए जाते हैं, असम में पसंद किए जाते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई आम आदमी की बात होती है, तो विष्णु प्रसाद राभा के गीत गाए जाते हैं। इसीलिए उन्हें सैनिक शिल्पी भी कहा गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भी आम आदमी के लिए संघर्ष करते रहे। वो इप्टा के साथ जुड़े रहे और इप्टा के माध्यम से उसके साथ चलकर उन्होंने तेजपुर के प्रख्यात वान थिएटर में कई नाटकों का भी मंचन किया। उन्होंने कुछ एलिमेंट, कुछ नई सोच, कुछ नया आयाम असमिया संस्कृति में जोड़ा, जिसे आज लोग गर्व से राभा संगीत कहते हैं। वो क्रांतिकारी थे, लेकिन विचारों में, सिर्फ भावना में नहीं बहते थे। उनके पीछे उनकी एक सोच थी, उनका अपना एक तर्क था। यही वजह है कि जब उनको, उनके पिताश्री को अंग्रेजों के समय से 2500 बीघा माटी मिली, वह भी उन्होंने दान कर दिया और आज तेजपुर विश्वविद्यालय जिस जमीन पर बना हुआ है, वो विष्णु प्रसाद राभा के जानदान में दी गई जमीन पर ही है। वो एक विप्लवी थे और सचमुच के विप्लवी थे, सोच में, विचार में, रहन सहन में। उन्होंने जब पहली असमिया फिल्म बन रही थी जयमती, उसमें भी सहयोग किया। आम आदमी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। इसलिए विष्णु प्रसाद राभा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आम आदमी अपना आदमी समझता है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे विप्लवी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं गई, लेकिन जब नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा देश का, भारत का, तो उसमें विष्णु प्रसाद राभा जैसे लोग अग्रणी पृष्ठों में शामिल होंगे। और यही वजह है कि असम के लोगों ने उनकी जो कला के प्रति एक समर्पण था, कला के प्रति जो एक रुझान था, उन्हें कला गुरु की उपाधि दी। ऐसे विष्णु प्रसाद राभा हम सबों के लिए प्रेरणा के विषय हैं। नमन करता हूं उनको।